नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसी चीज़ें वस्तुएं जिनका सपने में देखने का मतलब होता है कि आपके पास पैसा ही पैसा आने वाला है, आपकी तरक्की होने वाली है। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। स्वप्न शास्त्र अनुसार इंसान जो भी सपने में देखता है उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। ऐसा कहा जाता है कि सपने हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बता देते हैं, संकेत दे देते हैं। सपनों का अर्थ अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सपनों के बारे में जो धनवान होने का संकेत देते हैं। जो व्यक्ति सपने में इन चीज़ों को देखता है उसे अचानक से धन की प्राप्ति होने की संभावना बनी रहती है। सपने में तोता या फिर नेवला दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके घर जल्द लक्ष्मी आने वाली है। ये सपना अमीर बनने का संकेत होता है। सपने में यदि आप किसी को या फिर अपने आप को आम खाते हुए देखते हैं तो ये सपना भी शुभ संकेत माना जाता है। ये सपना आने पर धन लाभ होने के प्रबल आसार रहते हैं। और यदि सपने में आप जलता हुआ दीपक देखते हैं तो ये शुभ संकेत है और इसका मतलब है कि आपको आर्थिक लाभ मिलने वाला है। यदि सपने में आप गोबर देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर जल्द लक्ष्मी आने वाली है। ये सपना आर्थिक लाभ का संकेत देता है। और यदि आप सपने में खुद को तैरते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनने वाली है, आपके आर्थिक संकट जल्द दूर होने वाले हैं। सपने में खुद को पेड़ पर चढ़ते हुए देखना शुभ माना जाता है। ये सपना धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। इस सपने को देखने का मतलब है कि आपको जल्द ही तरक्की मिलने वाली है। और सपने में खुद को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखना शुभ माना जाता है। इस सपने को देखने का मतलब है कि आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलने वाला है। और सपने में फलों से लदा हुआ पेड़ देखना भी शुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब है कि आपके घर धन दौलत आने वाली है। शास्त्रों के अनुसार सपने में खुद को दूध पीते देखना शुभ माना जाता है। ये सपना देखने का मतलब है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। सपने में चींटियों को देखना भी शुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब है कि आपके घर सुख समृद्धि आने वाली है। धन्यवाद।